हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल विच इज़ महावीर जी ऑन ड्यूटी। दोस्तों आज हम बात करेंगे माइग्रेंट वर्कर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसके तहत अगर आप कोरोना के कारण किसी राज्य में फंसे हुए हो और अपने राज्य में जाना चाहते हो जहाँ आपका घर को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अपने नेटिव प्लेस में वापस जाने के लिए। अलग अलग स्टेट्स ने अपने पोर्टल्स लॉन्च किए हैं जिसका लिंक आपको बिहार गवर्नमेंट्स की वेबसाइट पर मिल जाएगा। इसके लिए आप अपने ब्राउज़र पर टाइप करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके बाद आपका जो पहला लिंक होगा ये मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके इस साइट पर आ सकते हैं। इसके बाद आप यहां देख सकते हैं हाइलाइट्स में जो थर्ड नंबर नोटिफिकेशन है उस पर मैं क्लिक करूंगा। यहां से आपको अलग अलग स्टेट्स की वेबसाइट लिंक मिलेगी जो आप किसी भी स्टेट्स में जाना चाहते हैं या वहां से आना चाहते हैं उसके लिए वैलिड होगी। मान लीजिए अगर आप यूपी में फंसे हुए हैं और दिल्ली जाना चाहते हैं तो आप दिल्ली वाले वेब लिंक पर क्लिक करेंगे, और अगर आप यूपी के रहने वाले हैं और दिल्ली में फंसे हुए हैं तो भी आप इसी वेब लिंक पर क्लिक करेंगे। और अलग अलग स्टेट्स ने जैसे कि तमिलनाडु ने दो लिंक प्रोवाइड किए हैं। अगर आप तमिलनाडु से बाहर जाना चाहते हैं मतलब कि आप किसी और स्टेट में रहते हैं तो आप इस लिंक को क्लिक करोगे, और अगर आप किसी और स्टेट में हो और तमिलनाडु के निवासी हो तो आप सेकेंड नंबर वेब लिंक पर क्लिक करोगे। मैं पंजाब लिंक पर क्लिक करूँगा। आप यहाँ देख सकते हैं अगर आप पंजाब में फंसे हुए हैं और किसी और स्टेट के निवासी हैं या फिर किसी और स्टेट में हैं और पंजाब के निवासी हैं तो दोनों ही कंडीशन में आपको इसी साइट पर क्लिक करना होगा। अब मैं यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के दिखाऊंगा अगर मैं पंजाब वापस आना चाहता हूँ उसके लिए। अब मैं यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करूँगा और यस पे क्लिक करूँगा। बाद आप यहाँ कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी में आप स्टूडेंट हो, टूरिस्ट हो, माइग्रेंट वर्क हो, अदर प्रोफेशनल्स हो वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप ट्रैवल नेम, एज, जेंडर, मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। इसके बाद आप यहाँ फादर नेम, इसके बाद आप यहाँ प्रेजेंट लोकेशन सेलेक्ट करोगे, इंडिया में हो तो इंडिया सेलेक्ट करोगे। इसके बाद आप अगर प्रेजेंट लोकेशन आउटसाइड पंजाब हो तो यहाँ पे आप जिस स्टेट में हो सिटी, विलेज, एड्रेस इंटर करोगे। उसके बाद आप यहाँ आईडी प्रूफ दोगे, आप पैन कार्ड देना चाहते हो या आधार कार्ड देना चाहते हो। उसके साथ आप यहाँ अपने आईडी का नंबर भी इंटर करोगे। उसके बाद आप यहाँ से अपना व्हीकल इंटर करोगे, अगर आपके पास व्हीकल है तो यस करोगे, अगर आपके पास ओन व्हीकल नहीं है तो नो करोगे। इसके बाद आप यहाँ पे पंजाब के किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो वो सेलेक्ट करोगे, ब्लॉक सेलेक्ट करोगे, वार्ड नंबर, सिटी, विलेज और फुल एड्रेस डालोगे। इसके बाद आप नियरेस्ट एयरपोर्ट इन पंजाब इंटर करोगे, और आपको यहाँ एक कॉन्टैक्ट पर्सन का नेम और फ़ोन नंबर देना होगा जो आपको पंजाब में जानते होंगे। उसके बाद आप यहाँ डिक्लेरेशन पर क्लिक करके कोड इंटर करके सेव पर क्लिक करोगे। सेव पर क्लिक करने के बाद आपको आपको एक मैसेज आएगा, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है। आप वापस साइट पे जाके वेरिफिकेशन के बाद अपना ई पास डाउनलोड कर सकते हो। इसी तरह से आप अगर पंजाब से बाहर जाना चाहते हो मतलब आप किसी और स्टेट में हो और पंजाब में फंसे हुए हो तो आप इस लिंक पर क्लिक करोगे। इसके बाद आप यहां से किस डिस्ट्रिक्ट में फंसे हुए हो पंजाब के वो सेलेक्ट करोगे, उस डिस्ट्रिक्ट में पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करोगे, किस स्टेट में आप जाना चाहते हो वो सेलेक्ट करोगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे, आपके सिटी का फुल एड्रेस यहाँ इंटर करोगे, और प्रेजेंट लोकेशन जिस जगह पे आप रुके हुए हो उस जगह का आप फुल एड्रेस यहाँ इंटर करोगे, और यहाँ से आप मोबाइल नंबर इंटर करोगे। इसके बाद आप यहाँ अपना आधार नंबर इंटर करोगे वेरिफिकेशन के लिए। इसके बाद आपके पास अगर प्राइवेट गाड़ी है, प्राइवेट व्हीकल है तो नो पे इंटर करोगे, नहीं तो यस पे इंटर करोगे। इसके बाद आपके साथ कितने मेंबर्स जाने वाले हैं वो आप यहाँ इंटर करोगे, मैक्सिमम 25 मेंबर्स यहाँ अलाउड है। जितने भी मेंबर्स आपने इंटर किए हैं उन सभी के नेम, एज और जेंडर यहाँ इंटर करोगे, और अगर आप न्यू पर्सन ऐड करना चाहते हो तो ऐड पे क्लिक करोगे।
इसके बाद आप यहां से कोड इंटर करोगे और सबमिट पर क्लिक कर दोगे। इसी तरह से अगर आप उत्तराखंड में फंसे हुए हो और अन्य राज्य में जाना चाहते हो तो आप इस लिंक पर क्लिक करोगे। उसके बाद आपको ये इंटरफेस मिलेगा। इसके बाद आप यहां से कैटेगरी सेलेक्ट करोगे, स्टूडेंट हो आप, ट्रैवल हो, माइग्रेंट वर्कर हो। इसके बाद आप यहां जेंडर सेलेक्ट करोगे, आधार कार्ड नंबर सेलेक्ट करोगे। आधार कार्ड नंबर इंटर करने के बाद आप यहां चेकबॉक्स पर क्लिक करोगे कि आपने जो नंबर प्रोवाइड किए हैं वो सही है। इसके बाद आप यहां आरोग्य सेतु ऐप पे आपके लोकेशन का स्टेटस क्या दिखा रहा है वो आप यहां सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आप यहां डिक्लेरेशन पे क्लिक करोगे कि आप में सिम्टम है कोरोना का या नहीं है। इसके बाद आप एज डालोगे, मोबाइल नंबर डालोगे और एक आईडी। इसके बाद आप उत्तराखंड में कहां फंसे हुए हो वहां का डिस्ट्रिक्ट, विलेज, तहसील और करंट एड्रेस उत्तराखंड का। इसके बाद आप उत्तराखंड से बाहर कहां रहते हो आउटसाइड स्टेट सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आप आउटसाइड सिटी फुल परमानेंट एड्रेस यहां सेलेक्ट करोगे। आप जहां रहते हो वहां मोहल्ला का क्या नाम है वो यहां इंटर करोगे। मोड ऑफ ट्रैवल यहां इंटर करोगे। उसके बाद आप यहां आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आपके साथ कितने लोग और हैं वो सेलेक्ट करोगे और एरिया नेम डाल दोगे। उसके बाद आप यहां कॉन्टैक्ट पर्सन इन उत्तराखंड ये इंटर करोगे ताकि ये वेरिफिकेशन हो सके। यहां आप नेम इंटर करोगे उस शख्स का। उसके बाद उस शख्स का यहां मोबाइल नंबर इंटर करोगे और चेक बॉक्स पे क्लिक करके सबमिट बटन पर क्लिक करोगे। इसी तरह से अगर आप उड़ीसा में जाना चाहते हो, मतलब आप किसी और स्टेट में फंसे हुए हो और उड़ीसा आपका घर है, तो आप उड़ीसा वाले लिंक पर क्लिक करोगे। इसके बाद आप यहां कैटेगरी स्टूडेंट हो, टूरिस्ट हो, माइग्रेंट वर्कर हो। इसके बाद आप यहां एज डालोगे, मोबाइल नंबर डालोगे, नेम ऑफ ट्रैवलर डालोगे, जेंडर डालोगे और आधार नंबर, ये सब यहां इंटर आप कर दोगे। उसके बाद आप प्रेजेंट लोकेशन आउटसाइड उड़ीसा यहाँ इंटर करोगे। उड़ीसा से बाहर आप कहाँ फंसे हुए हो, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और सिटी यहाँ इंटर करोगे। उसके बाद आपके साथ कितने लोग हैं वो आप इंटर करोगे। मान लीजिए मेरे साथ यहाँ 5 लोग हैं तो मैं यहाँ 5 इंटर कर दूंगा। इसके बाद मैं यहाँ 5 मेंबर के नेम, जेंडर, एज, रिलेशन और मोबाइल नंबर यहाँ इंटर कर दूंगा। इसके बाद आप उड़ीसा में कहाँ रहते हो वहाँ का एड्रेस इंटर करोगे। डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, वार्ड नंबर, विलेज और फुल एड्रेस आप यहाँ इंटर कर दोगे। उसके बाद आप यहाँ कॉन्टैक्ट पर्सन इन उड़ीसा, किसी भी एक कॉन्टैक्ट पर्सन जो पर्सन आपको जानते हैं उनका नेम और फ़ोन नंबर यहाँ डिक्लेरेशन फॉर्म के चेकबॉक्स पर क्लिक करके सबमिट बटन पर क्लिक कर दोगे। तो इस तरह से यहाँ काफ़ी सारे स्टेट्स के लिंक दिए हुए हैं। आप यहाँ से जिस स्टेट्स में जाना चाहते हो या फिर वापस आना चाहते हो, आप उस स्टेट्स के सामने दिए गए लिंक पर क्लिक करोगे और रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म फिल करके सबमिट कर देंगे। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए टू योर यूट्यूब चैनल विच इज़ महावीर जी ऑन ड्यूटी एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट वीडियोज़ एंड नोटिफिकेशन।